Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see one job date for fresher और इसमें final year वाले भी eligible होंगे. 170 post निकल के आई है. पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी. वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. और एक और अपडेट भी निकल के आ रही है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. AIL में वैकेंसी आई हुई है, IRB में वैकेंसी है, टाटा पावर में है, एशियन पेंट्स में वैकेंसीज हैं और टाटा एलेक्साई, टाटा स्टील, प्रिंसिपल, ये सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं जिनको कि हम चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं. सो आज की पोस्ट देखते हैं. आज की जो पोस्ट ये निकल के आ रही है ये पब्लिसिस सेपियन नामक कंपनी में. पब्लिसिस सेपियन में जो ये कंपनी है इन्होंने ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली है फ्रेशर्स के लिए. और कंपनी का बेंगलुरु में 30 पोस्ट है, गुरुग्राम में 70 पोस्ट है, नोएडा में 70 पोस्ट है. तो कुल मिला के 170 पोस्ट हो जाती हैं. आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है 5 to 5 LPA जो कि आपका हो जाता है 41,000 के अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ की सैलरी. सो यहाँ तक तो ये बढ़िया है, बट ये है कि फिर आपका जो अपॉर्चुनिटी है ये किन बच्चों के लिए. तो यहाँ पर बीटेक आपको मांगा गया है. बीटेक किस ब्रांचेस से? CS, IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं. हायर सेकेंडरी सेकेंडरी लिखा है, बट आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है बीटेक की. प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में ये बताया गया कि एक्सीलेंट कम्युनिकेटर और यू वॉन्ट टू हैव द दीज काइंड ऑफ स्किल्स, CGPA 6.5 एंड अबव, बैच ऑफ 2022 कैन अप्लाई. तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, इसमें कोई फीस नहीं लग रही है. बट दूसरा भी एक अपडेट है वो निकल के आ रहा है रिलेवल की तरफ से. रिलेवल इज़ द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो. एंड अगर आप बात करें यहाँ पर कि Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस में जॉब के लिए देखें, तो एक तो इस तरह की जॉब डेट्स आती रहती हैं, अलग अलग ब्रांचेस की जॉब डेट मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि हर ब्रांच क्या है. कोर ब्रांचेस की भी जॉब डेट चैनल पर पड़ी हुई हैं. आज की जैसे जॉब डेट थी इसमें CS, IT ये वाले एलिजिबल हैं, EC वाले भी एलिजिबल हैं. बट व्हाट अबाउट द अदर ब्रांचेस एंड व्हाट अबाउट द अदर ईयर? सो यहाँ पर अगर आप स्किल के बेसिस पे जॉब पाना चाहते हैं कुछ टेस्ट दे करके, विच इज़ द फ्री टेस्ट एंड रिलेवल के ये टेस्ट हैं. जैसे कि आप रोमी एस जयसवार को देखिए, इन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पाई है एट द हेल्थ प्लिक्स और काफ़ी अच्छी सैलरी इनको यहाँ पर मिल रही है. और इनका जो अगर बैकग्राउंड आप देखें तो ये साइंस के स्टूडेंट हैं जो IIT के लिए तैयारी कर रहे थे, पर इनका फिर वहाँ पर से मन निकल गया कि मतलब इंजीनियरिंग इनको अपनी कोर फील्ड नहीं लगी. तो इनके एक सीनियर से इन्होंने कंसल्ट करके बिजनेस और फाइनेंस के लिए आगे पढ़ाई करी. सो फाइनेंशियल मार्केटिंग में इन्होंने पढ़ाई करी. बट अगर जॉब के लिए आप देखें तो जॉब ढूंढने में वापस इनको दिक्कत आ रही थी. तो फिर इन्होंने क्या किया, रिलेवल का टेस्ट दिया. रिलेवल के टेस्ट में इनको मार्क्स कितने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. इनको 752 मार्क्स मिलते हैं 1000 में एंड रिलेवल में आपको 500 मार्क्स लाना होता है, उसके बाद आपको जॉब की कॉल लगती है. तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने जब ये टेस्ट लिखा टेस्ट फ्री में था और इनके 15 डेज के अंदर इनको ये जॉब लगती है हेल्थ फ्लिक्स में. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है. और रिलेवल आपको स्किल के लेवल पर देता है कि आप स्किल का टेस्ट दीजिए और उसके बाद फिर उसके लेवल पर आपको जॉब मिलेगी. ज़रूरी नहीं कि आपका कितना गैप है, आप कौन सी ब्रांच से आते हैं और आपका पीछे का एक्सपीरियंस कितना रहा क्या नहीं रहा, तो वो सब बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती. जस्ट वो स्कोर एक मैटर करता है जो कि आप एक टेस्ट में निकालते हैं. और वो भी टेस्ट का सिलेबस सब कुछ प्री डिफाइंड है, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी. और यहाँ पर अगर आप देखें फ्रेशर्स के लिए ये केवल नहीं है, ये अगर आप कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं या इवन कैरियर चेंज करना चाहते हैं, स्विचिंग करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर भी एलिजिबल रहता है. इसमें जो टेस्ट हैं ये आपके HR, सेल्स, टेक के टेस्ट हैं और एनालिटिक्स पोस्ट की है और आपका जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वाला है, इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है. तो इस तरह से 18 डोमेन्स हैं जिनके आपके टेस्ट मिल जाते हैं. और रिलेवल ने अब तक 42 करोड़ वर्थ की जॉब दी है. तो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप चेक कर सकते हैं. और आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको इसमें कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आईफोन, मैकबुक भी मिलते हैं. लास्ट मंथ का अगर हम देखें तो लास्ट मंथ का ही रिकॉर्ड इनका ये रहा है कि 36 लाख वर्थ जॉब लास्ट मंथ में हुई है, 42 करोड़ की अब तक जॉब हो चुकी है. तो काफ़ी अच्छा मौका है, आप रोमी की तरह देख सकते हैं कि अगर आपको भी यहाँ से मदद मिल सके. सो आपके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक एक बार चेकआउट करिएगा. बाकी वापस से वीडियो पर आते हैं. तो वीडियो में देखिए जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया. कुछ और जॉब क्राइटेरिया में ये बताया गया है कि हायर सेकेंडरी में, सेकेंडरी में आपके 60 लिखा हुआ है, तो 60% मार्क्स यहाँ पे चाहिए होता है. आपको जो फॉर्म की डेट है ये 12 मई को ओपन हुआ है, तो अभी रिसेंटली आया है, लेकिन 10 अगस्त तक ये ओपन है. सो आप लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, पहले ही अप्लाई कर दिएगा, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाने पर ये बंद कर सकते हैं. ठीक, सिलेक्शन कैसे करेंगे ये नहीं बताए हैं, तो आपको इसके लिए ईमेल आएगा. जनरली इनका एक एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट होगा और फिर आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा. ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कुछ और डिटेल्स देखते हैं तो ये कैंडिडेट 22 बैच के ये मैंने आपको बता दिया. बाकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा. जॉब प्रोफाइल में ये सब चीज़ें बताई गई कि आपकी स्किल रिक्वायर्ड रहेगी. और जॉब समरी में आपको जो काम करना होगा वो काम आपका एनालिटिक और इस तरह से प्रोटोटाइपिंग और ये सारा काम होगा. ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा. बाकी चैनल से जुड़े रहिए, कल एक और अपडेट देखते हैं. और कोशिश करेंगे कोर ब्रांचेस की अपडेट्स आपके लिए लाती जाएँ, जैसे कि जितनी ब्रांचेस की, जैसे IRB की ये जो वैकेंसी है ये सिविल के लिए है. ठीक है, AIL इसमें सभी एलिजिबल हैं. AIL का एक और अपडेट आपके लिए ये है कि अगर आपने
इसमें अप्लाई करने जा रहे होंगे तो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कुछ वेबसाइट की दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप ये करिएगा कि इनको ईमेल आईडी मैंने एक मेंशन करी है इसके कमेंट सेक्शन में, तो AIL में आप उसमें जा करके अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो एक छोटा सा अपडेट था, बाकी कोई नया अपडेट आता है, कोई नई वैकेंसी आती है तो आपको बताई जाएगी। कोई अगर कमेंट क्वेरी सजेशन हो नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।